वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड कैपेचिनो कॉफ़ी। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है। ध्यान रखिएगा, रेशियो आपको इसका 1:2 रखना है। अगर आप एक चम्मच कॉफ़ी डाल रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच चीनी, और ऐसे ही आपको इसको इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी और 4 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। आप देखेंगे कि कॉफ़ी को जब आप फेंटेंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और बहुत थिक और हैवी कॉफ़ी का बैटर बन जाएगा। यहाँ पे मैं पानी के साथ इसको फेंट रही हूँ। अगर आप पानी के साथ फेंटेंगे तो इसको आप 7 से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप मिल्क का यूज़ करेंगे तो वो आपको जल्दी ही कंज्यूम करना होगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टोर करने के पर्पज से रख रही हूँ, इसलिए मैं पानी के साथ इसको फेंट रही हूँ। 1 से 2 चम्मच तक पानी का मैंने यूज़ किया है। अगर आपको कम लगे तो आप 1/2 से 1 चम्मच तक पानी का इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा आप में आपको उसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो बहुत पतला बैटर हो जाएगा और वो आपका फटेगा नहीं। एक ही डायरेक्शन में आप फेंटते जाएंगे, आप देखेंगे डार्क ब्राउन कलर से हमारा बहुत ही सुनहरा कलर आ जाएगा कॉफ़ी का और बहुत थिक हो जाएगी। देखिए, जितना आप इसको फेंटते जाएंगे कॉफ़ी का कलर चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी हैवी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, आसानी से कप में जाएगी भी नहीं। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, बॉयल होने मैंने रख दिया है। टेस्ट अच्छा आता है फुल क्रीम मिल्क से। 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाली है कप में, और दूध गर्म होके इसमें मैं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से आपको इसको फेंट लेना है, और बहुत ही फ्लफी और क्रीमी हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है। ज़रा सा ऊपर कोको पाउडर में सर्व कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाता है। और इवनिंग के टाइम पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बनाना चिप्स का के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। ट्राई करिएगा।